Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Noreen Fatima. So we are on lecture 12, and the topic is the psychodynamic approach in the gender development. So psychodynamic approach में फ्राइड की थ्योरी आती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की. फैमिली डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इन द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज. फैमिली डायनेमिक्स क्या होता है? फैमिली डायनेमिक्स वो इंटरैक्शन, वो इंटरैक्शन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, जिसकी वजह से फैमिली की हायरार्की, यानी कि लो कौन लोअर रैंक पे है, कौन हायर रैंक पे है, फैमिली के मेम्बर्स के क्या रोल हैं, मदर के, फादर के, सन के, डॉटर के, ग्रैंड पेरेंट्स के, और क्या क्या उनके गोल्स हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में पता चलता है फैमिली डायनेमिक्स. और फैमिली डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है स्पेशली चिल्ड्रन पे, कि वो उनकी रोल क्या है और वो खुद क्या हैं और बाकी लोग के रोल्स भी क्या हैं और बाकी रोल हैं क्या. ओके, तो फैमिली डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल पे इफ़ेक्ट करती है, और वो जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करने में और जेंडर आइडेंटिटी समझने में हेल्प करती है. ओके, देन जेंडर डेवलपमेंट पे आते हैं. तो जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. ओके, बट जब वो सारे कॉन्फ्लिक्ट फैरिक स्टेज में रिजॉल्व हो जाते हैं, तब आपके जेंडर रोल डेवलप हो जाते हैं. तो यूजुअली फैरिक स्टेज में फीलिंग्स ऑफ राइवलरी, यानी कि बदला लेने की, या हेट्रेड डेवलप होती है. आप लोगों ने पढ़ा होगा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में एक स्टेज होता है फैलिक स्टेज, जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. ओडिपस कॉम्प्लेक्स की जो बच्चा होता है, बेबी बॉय होता है, वो अपनी मदर से ज़्यादा अफेक्शनेट हो जाता है, फादर को हेट करने लगता है. और गर्ल्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, वो अपने फादर को ज़्यादा मानने लगती है. अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है एक तरह से, ऐसा फ्राइड का कहना था इन द फैलिक स्टेज ऑफ हिज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, यानी कि जब बेबी बॉय समझने लगता है कि हाँ, रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि मैं अपने फादर को आइडेंटिफाई करूँ, उनके रोल्स को आइडेंटिफाई करूँ, और उनकी और मेरी सेक्स सेम है तो मैं उनके रोल्स और बिहेवियर को अडेप्ट करूँ, तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाती है, तब जेंडर के रोल्स डेवलप हो जाते हैं. ओके, तो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते या फिर कोई एक पेरेंट नहीं होता, तो उसमें थोड़ा जेंडर डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके, देन आता है आपकी सबसे पहली थ्योरी है कैरन हॉर्नी की थ्योरी. उन्होंने क्या कहा था? इनका बेसिकली अपने थ्योरी में ये कहना था, वो मतलब साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो फ्राइड का साइकोनालिटिक थ्योरी थी उससे हामी रखती थी, उसको एग्री करती थी, बट कुछ कुछ चीज़ों में डिसएग्री करती थी. तो लेटर उन्होंने ये बात बोली कि जो फीमेल्स होती हैं वो जेलस मेल्स से क्यों होती हैं, क्योंकि मेल्स को वो पोजीशन दी जाती है, वो प्रेस्टीज, वो इज्जत दी जाती है सोसाइटी में, जो और जो फ्रीडम, जो जो अपॉर्चुनिटीज मैन इंजॉय करता है, जो एक मर्द इंजॉय करता है, वो औरतों को नहीं मिलता, इसलिए वो उससे जेलसी रखती हैं और उनको अचीव भी करना होता है ये सारी चीज़ें. तो द एनवी, द जेलसी द फीमेल्स हैव अगेंस्ट मेल इज ड्यू टू दिस ओनली, बिकॉज द मेल गेट टू इंजॉय द फ्रीडम, द अपॉर्चुनिटीज, द प्रेस्टीज, द पोजीशन, जो इज्जत होती है वो इंजॉय करने को मिलती है, वो मिलती है एडवांटेज, बट फीमेल्स को नहीं मिलता, इसलिए फीमेल्स मर्दों से एनवी यानी कि जेलसी रखती हैं. बट मैन भी कभी कभी ये जेलसी रखते हैं वुमेन से, क्यों? क्योंकि वुमेन के पास एक बहुत बड़ी ताकत होती है, वो कंसीव कर सकती है, यानी कि वो बच्चे पैदा कर सकती है. वो कंसीव करना मतलब आसान लफ्जों में समझें कि प्रेग्नेंट होना, हाँ, तो वो कंसीव कर सकती है. तो इसको तो मेन को अपने अचीवमेंट के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी इधर उधर खोज करनी पड़ती है, एंड जस्ट फॉर कंपेंसेटिंग द लैक ऑफ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दे आर जेलस
विद मैन वुमेन सॉरी बेसिक बात यही है कि उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया था कि जो मैन होते हैं वो जेलस क्यों होते हैं वुमेन से, क्योंकि वुमेन के पास एबिलिटी होती है, वुमेन को वुमेन के पास वो ताकत दी गई है किस चीज़ की, कंसीव करने की यानी कि रिप्रोड्यूस करने की। ओके और मैन की वजह से ही ये एक तरह से फीमेल इंफीरियर और कमज़ोर खुद को समझती हैं और खुद को सेफ नहीं समझती हैं, क्योंकि मैन उस तरह हाँ फील करवाते हैं वुमेन को कि हाँ तुम वीक हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकती, तुम वो चीज़ नहीं कर सकती। तो इसीलिए वुमेन के पास भी वो इमोशन, वो फीलिंग वाले उन्हें वो फीलिंग वो इमोशंस आने लगते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं इंफीरियर हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ। तो इन वन वे वी कैन से और कैरन हॉर्नी बिलीव दैट फीमेल की जो इन्फीरियोरिटी होती है वो उसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मेल की इनसिक्योरिटी से स्टार्ट हुआ है। इट इज़ दैट मेंस बिहेवियर दैट पेट्रियार्कल सोसाइटी विच मेक्स अ फीमेल इन्फीरियर। ओके देन आते हैं कुछ कॉन्टेम्प्रेरी साइकोडायनेमिक थ्योरीज, उसमें आता है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, जो कि हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डिपेंड करते हैं फॉर मेकिंग अ मेल बिलीव दैट ही इज़ मैस्कुलिन, वो मर्द है, और एक फीमेल एक वुमेन को कि हाँ वो औरत है। तो ये चीज़ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होती है और ये फ्राइड के ही उससे लिया गया है, साइकोसेक्सुअल साइकोनालिटिक डेवलपमेंट से लिया गया है। बट ये मेन चीज़ है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मेल बिलीव दैट ही इज़ मैस्कुलिन एंड फीमेल बिलीव दैट शी इज़ फेमिनिन। इन आप लोग अपने आंसर्स में ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट्स लिखिएगा। ओके तो इसी के वजह से ये जेंडर इनइक्वालिटी भी होती है और इसके वजह से ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी आती है। अब दो एक साइकोलॉजिस्ट और एक सोशियोलॉजिस्ट, उनके अपने अपने थ्योरीज थे, ठीक है, जो कि कुछ हद तक डिफर करते थे फ्राइड के साइकोडायनेमिक अप्रोच से, ठीक है। तो पहला है कि नैन्सी कॉड्रोव 1979, शी वॉज अ सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उससे पहले जो प्री ओइडिपल स्टेज होता है जहाँ पे ये बच्चे अपनी माँ को वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो माँ होती है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को संभालती है, उसके ज़्यादा इमोशन सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है माँ के साथ, बाप के साथ बहुत कम वक्त मिलता है, बहुत कम वक्त रहता ही है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि बाप कम केयर करता है, बट माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, माँ के साथ ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं एक मदर सेंटर्ड वर्ल्ड रहता है बच्चे का। तो बट अगर बेबी बॉय है तो बेबी बॉय को वो उस माँ से धीरे धीरे अटैचमेंट छोड़ना पड़ता है, दूर होना पड़ता है, ताकि वो अपने सेम सेक्स यानी कि अपने फादर के रोल में, अपने फादर के बिहेवियर्स में अडेप्ट कर सके। बट डॉटर की अटैचमेंट, डॉटर के इमोशंस सेम रहते हैं। वो क्योंकि बिकॉज वो ऑलरेडी अपने सेम सेक्स से अटैच्ड है, तो वो उसके बिहेवियर्स और कैरी करना, उसकी ये रोल्स कैरी करना, तो शी इज़ समवॉट मोर अटैच्ड। तो जो मदर सन का रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है विथ मदर डॉटर रिलेशनशिप। जैसे कि ये कह सकते हैं कि मदर डॉटर का ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है एंड मदर सन का कम क्लोज रिलेशनशिप होता है। और मदर डॉटर का क्यों क्लोज होता है, क्योंकि वो सेम सेक्स के होते हैं। ऑल्सो जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें उस वक्त उन्हें जब शुरू की बात होती है तब उन्हें इतना सेक्स डिफरेंस का मालूम नहीं होता है, बट मदर को मालूम होता है कि हाँ मेरा बच्चा मेल है या फीमेल है, तो वो उस तरह भी उसकी परवरिश करती है। और जब माँ उस तरह परवरिश करती है
तो बच्चे के माइंड में भी अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ बनना पड़ता, समझ, बच्चे के मन में भी एक आने लगता है कि हाँ मैं इस तरह हूँ। जैसे कि अक्सर आप देखे होंगे बेबी बॉयज को बोलते हैं, अरे यू आर अ स्ट्रांग बॉय, यू शुड नॉट क्राई लाइक गर्ल्स, ये वो। तो उसके मन में एक चीज़ में बैठने लगती है कि हाँ मुझे नहीं रोना चाहिए, लड़कियाँ रोती हैं। ओके, तो ये इस तरह की मैं बात करी। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जेंडर डिफरेंस का परसेप्शन कैसे बच्चों में फिट होता है परवरिश के रिगार्डिंग। ऑल्सो जो बॉयज़ होते हैं उनको सेपरेट होना पड़ता है अपने मदर से, ये ताकि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बना सकें, यानी कि अपने फादर के उससे। बट ऐसा नहीं होता कि वो फादर से बिल्कुल अटैच हो जाते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी बन जाती है अलग, ठीक है, और उस उनकी पर्सनालिटी पे काफ़ी इफेक्ट भी पड़ता है। वो सारी फेमिनिटी को डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है, और एक फियर, मतलब वो फेमिनिन उससे ये लाइक औरतों वाले बिहेवियर से दूर हो जाते हैं। ओके, एंड गर्ल्स का है, गर्ल्स का तो अपने वुमेनहुड में, अपनी वुमेनहुड एक तरह से कह सकते हैं कि जो औरत वाली फीलिंग होती है, गर्ल्स वाली फीलिंग होती है, स्मूथ होना, पेशेंस रखना, और ये वाली सारी फीलिंग जितनी औरतों वाली इमोशंस या बिहेवियर होते हैं वो कैरी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्लोज होते हैं अपनी माँ से। ओके, फिर आपका आता है कैस्कैक्स थ्योरी। कैस्कैक थ्योरी एक्चुअली ये थोड़ा बहुत ओडिपस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो उन्होंने एक कैरेक्टर लिया था एंटीगोन। एंटीगोन कौन था? ओडिपस की डॉटर थी। तो जब ओडिपस ने क्या किया था, ओडिपस ने अपनी अपने बाप को मार करके अपनी माँ से शादी कर ली थी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यू नो। तो ओडिपस, जब एंटीगोन को पता चला कि मेरा बाप ऐसा था, तो उसने क्या किया, या वो सप्रेस होने लगी, वो ओडिपस का ख्याल रखने लगी। शी मतलब उसको समझ में, उसका वो अपने बाप का ख्याल रखने लगी। शी मतलब उसके दिमाग में ऐसा मतलब बन गया कि हाँ, मर्द ऐसे होते हैं, औरत ऐसी होती है, ठीक है। तो शी डिवोटेड हर लाइफ एंड फ्रीडम टू टेक केयर ऑफ हर फादर एंड सेक्रीफाइज्ड फॉर हिम, ठीक है। मतलब पेट्रियार्कल फैमिली था ओडिपस का, ठीक है, बट उनकी बेटी जो एंटीगोन थी वो बहुत अच्छी डॉटर थी, वो सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। अगर वो ये समझती भी थी, वो ये समझती थी कि जो मेल होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करनी चाहिए, फीमेल्स होती हैं उनका इतना नहीं होता है। मैन जो होते हैं, मेल होते हैं, वो पैदाइशी बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हें सोसाइटी में भी इज्जत मिलती है, फैमिली में भी इज्जत मिलती है, ये ठीक है। तो इट्स लाइक दे थॉट कि मेन ओन करते हैं वुमेन को, एक हक है मर्दों का औरतों पे, ठीक है, वुमेन को इस तरह समझना चाहिए, वुमेन को खुद इस तरह समझना चाहिए कि वो किसी उन पे किसी का हक है, यानी कि मर्दों का हक है, वो मेन की पोसेशन है। पोसेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जब आप ओन करते हो तो उसको कहते हो पसेस, POSSE। तो वो इसमें ये था कि मेन पोसेस्ड वुमेन, एंड वुमेन ऐसा सोचती थी कि हाँ मेन मुझे पोसेस करते हैं, वो मुझे ओन करते हैं। ऑल्सो जो ये ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हर मैन और वुमेन सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज सोसाइटी को ऐसा फॉर्म किया गया है पेट्रियार्कल टाइप, वहाँ पे मैन को वो स्ट्रांग बताते हैं, वुमेन को वीक बताते हैं। तो उस तरह भी जो ये पेट्रियार्कल फैमिली और ये सोसाइटी की माइंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है जेंडर की आइडेंटिटी, जेंडर का रोल समझने में, बच्चों के लिए स्पेशली। ओके, ऑल्सो जब इसमें पोसेशन की बात हो गई, तो फिर उससे आप यही अंदाजा लगा लें कि मैन वुमेन को एक इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो हमारा पार्ट है, ये हमारा अपना है,
है, इसके साथ जो दिल चाहे वो करें, तो वो कभी वो मैं सोचते हैं कि हम इनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो कभी फ़ायदा उठाते हैं, कभी उन्हें हार्म करते हैं, और मोस्टली वुमेन को हार्म करते हैं। मैन सोचते हैं कि हमारे पास ताकत है, वो मेन से भी मेन से भी लड़ते हैं, ठीक है, बट वो वुमेन को उससे ज़्यादा लड़ते हैं, क्योंकि वो उनको वीक कंसिडर करते हैं, और फिर इसी वजह से फैमिली वायलेंस होता है और बाकी अदर बिहेवियर्स। ऑल्सो एक स्टडी हुई थी, जॉनसन ने की थी 1995 में फैमिली वायलेंस में, उस स्टडी से ये पता चला कि जो मेन थे वो ऐसी थॉट रखते थे कि ये उनका हक है कि वो अपनी घर की फीमेल्स को मार सकते हैं, यानी कि उन पे उनसे झगड़ा या उनको मार सकते हैं, दे हैव द राइट टू डू सो। इस रिसर्च या स्टडी से ये पता चला था कि लोग ऐसा सोचते हैं। ऑल्सो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी होने की, नॉर्मल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये किसी भी औरत को वो जो एंटीगोन ने किया वैसा नहीं करना चाहिए। एंटीगोन का जो फेस था वो बहुत अच्छी बन के रहने लगी पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उसे दबाया जाता था, वो दबती थी, वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट समझती थी, वो तो ये सारी चीज़ें एक औरत को नहीं करना चाहिए फॉर अ नॉर्मल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑल्सो अगर कोई औरत अपना ये बात नहीं समझती है, वो सोचती है कि ठीक है मैं के मतलब मुझ पे मर्दों का हक है, ये सारी बातें अगर सोचती है, ठीक है, इफ़ शी थिंक्स दैट शी इज़ द एक्सटेंशन, शी इज़ द पार्ट ऑफ दोज मैन, शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, अगर वो ऐसा सोचेगी तो वो ये भी सोचेगी कि ये जो मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और मेन की ख्वाहिशें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हम जानते हैं हम सब इंसान हैं और हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है, अपना रोल होता है, अपना बिहेवियर होता है, और सबकी अपनी सबकी अपनी ख्वाहिश होती है। इस्लाम में भी सिखाया गया है कि मेन और वुमेन इक्वल है, स्पेशली इस्लाम में तो ये हमने कई जगह देखा है कि वुमेन को काफ़ी अच्छा दर्जा दिया जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। खैर ये तो टॉपिक से ही रिलेटेड है, बट ये बात भी है। तो मैन को तो ये आखिरी में आप एक कंक्लूजन ज़रूर डालना अपने आंसर में, अगर हर इसकी ये वाली थ्योरी आती है एंटीगोन फेस की थ्योरी, तो ये सारी बातें ज़रूर डालना, ये लास्ट पैराग्राफ में आपके समझाया गया है। तो ऑल्सो वो अगर ये सारी जब ये सारी चीज़ें होती हैं, वुमेन जब इतना खुद को कमज़ोर समझती हैं तो उनकी बहुत लिमिटेड लाइफ होती है। लिमिटेड लाइफ मतलब कि उनकी लाइफ जिसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि हाँ वो ये नहीं कर सकती, अच्छा ये नहीं कर सकती, बस यही कर सकती हैं, बस इतनी थोड़ी सी चीज़ें कर सकती हैं, मतलब घर ही में रह सकती हैं, घर में रह के पढ़ सकती हैं, बाहर नहीं जा सकती, तो ये सारी लिमिटेड लाइफ हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो इन सब बातों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, वरना आप अपनी फिज़िकल फीचर को भी लेकर के, औरतों को मैं बोल रही हूँ, आप अपनी फिज़िकल फीचर को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगी, इन्फीरियर फील करेंगी, ये हमेशा मर्दों को यानी कि स्पेशली अपने घर में पेट्रियार्कल फैमिली, अपने ये भाइयों को, अपने अपने बाप को, अपने हस्बैंड को कोशिश करेंगी कि वो आपसे नाराज़ ना हो, वो हमेशा खुश रहें। बट ऐसा नहीं होता ना, हर इंसान से आपका अच्छा तो नहीं बन सकता, अच्छे रिलेशंस तो नहीं हो सकते, फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हम किसी को नाराज़ ना करें, बट इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि अपनी लॉस हो, अपना मेंटल पीस चला जाए। तो अक्सर वुमेन वॉयलेंस में वॉयलेंस भी बर्दाश्त कर लेती हैं, जो कि काफ़ी हद तक गलत है, ठीक है। फिर ये बाकी सारी चीज़ इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वुमेन खुद को हीट भी करने लगती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी करने लगती हैं, शेम मतलब बहुत शर्म बहुत खुद से शर्मिंदा भी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और वुमेन को स्ट्रांग होना चाहिए और अपने दूसरों से, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो औरतों को किसी भी मर्द या औरत से ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए जिसमें आपकी भी वैल्यू हो और उनकी भी वैल्यू हो और वो एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट साइको डायनेमिक अप्रोच ऑफ जेंडर डेवलपमेंट।